सो हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं LTP बिगबुल चैनल। सो दोस्तों, आज का लिए हम लोग बात करने वाले हैं कि मार्केट में बहुत सारा ऐसा ट्रेडर है जो प्रॉफिट और लॉस का बीच में रुका हुआ है। जैसे कि सोचिए कि आप कोई कॉल ले रहे हैं, मार्केट ऊपर नहीं जाके नीचे आ गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। सोचिए कि मार्केट में आप पुट ले रहे हैं बट मार्केट जो है कि आपका स्टॉप लॉस हिट करके नीचे आ गया। होता है सर, प्रॉब्लम आपका नहीं सबका होता है। और नेक्स्ट दिन में क्या किए आप कि अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा बड़ा कर दिए और मार्केट का किया फिर से जाके स्टॉप लॉस को हिट करके फिर से नीचे आ गया। ये कॉल और पुट दोनों तरफ ही होता है, आप लोग देखे होंगे। बहुत सारा ट्रेडर क्या करता है कि मार्केट में जैसे कि रेजिस्टेंस से मार्केट में हम लोग को पुट लेना है, मार्केट में रेजिस्टेंस से पुट लेना, रेजिस्टेंस में जैसे ही बाय किया मार्केट उसको तोड़ के ऊपर चला गया और आपका अगर स्टॉप लॉस लगा हुआ तो स्टॉप लॉस लग गया। और क्या होगा मार्केट में, स्टॉप लॉस लगने के बाद वो मार्केट फिर से नीचे आ गया। तो आपका ये सब चीज़, ये जो भी होता है, किस वजह से होता है, ये आप कभी भी ध्यान दिए, अपने आप से ये पूछे कि मार्केट में जब भी हम लेते हैं कॉल बाय करते हैं तो मार्केट में पुट तरफ जाता है, जब हम पुट लेते हैं तो मार्केट ऊपर तरफ चल जाता है, इस तरह कहाँ होता है आपका साथ, इसका कारण क्या है, ये चीज़ के लिए ही आज का वीडियो ये है, जो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। आपका साइकोलॉजी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, आपका साइकोलॉजी को कैसे करके सुधारना पड़ेगा ये भी आपको इस वीडियो से मालूम चलेगा। तो पहला बात है दोस्तों कि आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आप अगर डिसिप्लिन नहीं है मार्केट में तब आपका साथ ये प्रॉब्लम होगा। डिसिप्लिन होने से क्या होगा, देखिए आप एक जगह एक स्टॉप लॉस आप अपने आप को पूरा पूरी डिसिप्लिन से स्टॉप लॉस अगर लगाते हैं वो हिट करे या ना करे, मगर डेली आपको वही डिसिप्लिन में ही खेलना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, आपको एक चीज़ का मालूम चल जाएगा कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना उचित है, आपका साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि आपका साइकोलॉजी आपका माइंड कैसे काम करता है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप ही सिर्फ जानते हैं कि आपका साइकोलॉजी कैसे काम करता है और आपका साइकोलॉजी किस तरह से आपको चेंज करना पड़ेगा, ये सिर्फ आप जानते हैं। अपने आप से पूछिए कि आप जो भी गलती करते हैं मार्केट में पुट या कॉल बाय करने के समय उसका कारण क्या है, एक खाता कलम लीजिए, उसमें लिखना शुरू करिए। लिखने से क्या होगा, आप अपने आप से ही सवाल पूछ रहे हैं कि मेरा साथ इस तरह काहे होता है, तब जाके जो है कि खाता कलम में ही आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। आपका प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको खाता कलम में ही मिल जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप डिसिप्लिन है तब तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे स्टॉप लॉस यहाँ पर देना है, 500 रुपया मेरा स्टॉप लॉस है, 1000 रुपया मेरा टारगेट है, तब तो कोई टेंशन नहीं होगा, आप एक बेहतरीन प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। बट जो इंसान क्या क्या गलती करता है, देखिए पहला बात है कि सोचिए कि आज का दिन मार्केट में मैं एक ट्रेड लिया कॉल साइड, मैंने स्टॉप लॉस लगाया 20 पॉइंट, क्या हुआ मार्केट 20 पॉइंट में आया, स्टॉप लॉस खा के मार्केट ऊपर चला गया, आपको थोड़ा गुस्सा लग गया, आपको थोड़ा खराब लगेगा। नेक्स्ट डे में आए, आने के बाद क्या किया, फिर से आप एक सोच लीजिए पुट के लिए सोच रहे हैं और आप जो नेक्स्ट डे में जो हो के आया है कि आप सोचे कि मार्केट सिर्फ 20 पॉइंट मेरा हिट करके चला गया था, कल आज तो नहीं करेगा। देखिए डेली के डेली मार्केट में हर एक चीज़ चेंज होता है, हर एक चीज़, आप कल जो हो गया सो आज मत सोचिए, कल जो हो गया सो कल बीत गया, आज के लिए सोचिए कि मार्केट में जब भी आप ट्रेड करते हैं या ट्रेड आप लेते हैं कल के लिए अगर सोचिएगा तो आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनिएगा। कल के लिए मत सोचिए, अपना एक खुद का डिसिप्लिन बनाइए, आप अपना एक सोच बनाइए कि मुझे किस तरह से मार्केट में ट्रेडिंग करना है। आपको एक लॉजिकली बात बताते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मेरा ही सबसे ज़्यादा लॉस होता है, बार बार लॉस हो रहा है, जब भी कॉल लेते हैं पुट चला जाता है, जब भी पुट लेते हैं कॉल चला जाता है, आप सोचिए कि अगर आपको मैं बोलूँ किसी के तब आप सेल करना शुरू कर दीजिए, तब तो आप प्रॉफिटेबल बन जाइएगा। क्योंकि जब भी आप मार्केट में ट्रेड लेते हैं आपका एगेंस्ट में मार्केट चल जाता है, आप अगर कॉल लिए हैं तो पुट तरफ चला जाता है, अगर पुट लेते हैं तो कॉल तरफ चला जाता है, तब आप तो बेहतरीन सेलर बन सकते हैं, तब तो एक बेहतरीन सेलर बन सकते ना, आप बाई नहीं करके उसको सेल कर दीजिए, तब तो मार्केट आपका फेवर में चल जाएगा ना, नहीं होगा। क्योंकि आपका सोच में गलत है, आपका जो है कि मार्केट में जो भी आपका स्ट्रैटेजी है, कुछ भी आप यूज करते हैं स्ट्रैटेजी, आप उसमें पूरा पूरी भरोसा नहीं करते हैं, या आप अपने आप को ही भरोसा नहीं करते। जब तक आप अपने आप को भरोसा नहीं करिएगा मार्केट में एक रुपया नहीं कमा पाइएगा दोस्तों। जब तक आप अपने आप से ये उम्मीद नहीं करते कि हाँ मैं एक ट्रेडर बन सकता हूँ और मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनूंगा, देखिए पुट कॉल करने से आप कभी भी ट्रेडर नहीं बनिएगा, आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि आपको आज
मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 40 पॉइंट का मेरा टारगेट रहेगा। इसको बोला जाता है डिसिप्लिन। यही डिसिप्लिन में ही आपको रहना पड़ेगा। बहुत समय क्या होता है मार्केट में कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते। सबसे बड़ा गलती है नया जो ट्रेडिंग करने आता है मार्केट में, सबसे बड़ी गलती कि वो अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाता। देखिए स्टॉप लॉस लगाने से क्या होगा, आप अगर सोच रहे कि मेरा स्टॉप लॉस बार बार लगाते हैं बार बार हिट हो जाता है, तब आप सोचिए कि आपका जहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा रहे उसी पर वहाँ पर ही मार्केट का रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन रहा है, इसीलिए बार बार मार्केट वहाँ से आके घूम के जा रहा है। तो आप एंट्री कहाँ कर रहे हैं वो भी तब गलत कर रहे हैं। इसका मतलब आप 20 पॉइंट ऊपर एंट्री कर रहे हैं। तो ये हर एक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा मार्केट में कि आपको टारगेट कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, मार्केट में स्टॉप लॉस कहाँ मेरा लगाना चाहिए, मार्केट में हमको टारगेट कहाँ तक लगाना चाहिए। जब तक आप ये सब चीज़ एक डिसिप्लिन में लेके नहीं आते, डिसिप्लिन का मतलब आप बढ़िया से समझ रहे हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट आपको मालूम रहना चाहिए कि मेरा कहाँ स्टॉप होगा और मेरा पास कहाँ टारगेट होगा। देखिए कोई भी चीज़, आप तो आपको उम्र 25 से ऊपर होगा तभी जगह आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। आप बताइए कि आप छोटा से लेकर 12 तक कुछ भी करके आए, एक सोच में एक मतलब क्या बोले एक स्टेप बाय स्टेप आप करते हुए आए, मैं पढ़ूंगा तो मुझे नौकरी मिलेगा तो मुझे बढ़िया पेमेंट मिलेगा तो मेरा संसार चलेगा। तो इसी तरह मार्केट में भी है। आप अगर सोचते हैं कि मुझे स्टॉप लॉस नहीं देना है तो ये गलत बात है। स्टॉप लॉस भी आपको देना पड़ेगा और आपको टारगेट भी लेना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आपका बहुत बढ़िया एक दोस्त है। आप अगर ये सोच लेते हैं कि मार्केट में मुझे डेली की डेली 500 रुपया देना है, आपको डेली 500 रुपया मुझे स्टॉप लॉस देना है, आप करके दिखाइए हमको। आप डेली 500 रुपया अगर स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हो जाता है ना, तो आप कभी भी लॉस नहीं करिएगा। यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि मार्केट में डरिए मत। आपको स्टॉप लॉस देने के लिए आप सोचिए कि हाँ मुझे स्टॉप लॉस देना है 500 रुपया, आप करके दिखाइए, देखिए 2000 रुपया जाएगा ना आपका, 2000 रुपया जाएगा। चार गो स्टॉप लॉस आप खुद से दे के देखिए। आप देखिए काम पेपर ट्रेडिंग जब भी करता है इंसान बहुत सारा प्रॉफिट करता है। पेपर ट्रेडिंग में कभी भी लॉस नहीं करता, कहीं लॉस नहीं करता, कहीं कि उसको डर नहीं रहता कुछ खोने का, कुछ भी खोने का उसको डर नहीं रहता। जब भी खोने का डर रहता है वहाँ पर ही आपको प्रॉब्लम होगा। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ये वहाँ पर ही प्रॉब्लम आपका होगा ही होगा। इसीलिए बार बार मैं आपको बोलता हूँ कि डिसिप्लिन होइए, डिसिप्लिन से एक ट्रेडर बनिए। मार्केट में कभी भी कोई भी आप पन्ना उलट के देख लीजिए, किसी का भी पॉडकास्ट पढ़ लीजिए, आप आपको एक ही चीज़ मिलेगा कि डिसिप्लिन और साइकोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको एक ट्रेडर बनना है आपको साइकोलॉजी को सुधारना पड़ेगा, आपका सोच को बदलना पड़ेगा, नहीं तो आप कभी भी एक ट्रेडर बढ़िया नहीं बन पाइएगा। जब तक आप अपना सोच को नहीं बदलते हैं, जब तक आप अपना साइकोलॉजी को नहीं बदलते हैं, जब तक आप अपना आपको डिसिप्लिन नहीं बनाते हैं, तब तक आप एक बेहतरीन प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाइएगा। कहें कि देखिए हर एक इंसान, आप अगर सोचते हैं कि कोई स्टॉप लॉस नहीं देता, सबका स्टॉप लॉस लगता है, सब स्टॉप लॉस देख देख के ही सीखता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी का स्टॉप लॉस नहीं लगाए। आप भी तो अभी का टाइम में बहुत सारा ऐसा टूल आ चुका है कि जो मार्केट में आपको बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट करता है। तब पर भी सोचिए कि आप कहीं नहीं सक रहे, अपने आप से सवाल करिए, अपना दिमाग को कूल करिए, आप अपना साइकोलॉजी को शांत करिए, आप अपना साइकोलॉजी को और बेहतरीन बनाइए और डिसिप्लिन ट्रेडर बनिए। कभी भी मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं आपके पास मालूम होना चाहिए कि मार्केट में मुझे ट्रेड हम कहाँ ले रहे हैं, किस वजह से हम ट्रेड ले रहे हैं, मार्केट यहाँ से कितना दूर ऊपर जा सकता है, मेरा टारगेट कहाँ हो सकता है, मार्केट अगर नीचे आए तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ देंगे। ये मत सोचिएगा कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ दे के फिर ऊपर चल जाएगा मार्केट, ये सब नहीं सोचना। आपको डिसिप्लिन बनना है कि मुझे स्टॉप लॉस यहाँ देना है तो देना है, मेरा टारगेट यहाँ पर ही है तो यहाँ पर ही है। एक डिसिप्लिन आपको आपका साइकोलॉजी बहुत ख़राब करेगा, बहुत आपको डिस्टर्ब करेगा आपका साइकोलॉजी। नहीं मैं तो कल भी यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया था, मार्केट आया वहाँ पर टच करके चला गया, इसका मतलब आज थोड़ा सा नीचे करते नहीं, तब आप एंट्री गलत करें, एंट्री को तब नीचे लेकर आइए तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा हो जाएगा। स्टॉप लॉस को एक ही जगह रखिए, अपना एंट्री लेवल को जो है कि उसको नीचे लेकर आइए, तब जाके आपको एक मालूम चलेगा कि हाँ मेरा गलती कहाँ थी। गलती हर एक इंसान से होता है, गलती से ही इंसान सीखता है। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में स्टॉप लॉस आपको देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। स्टॉप लॉस बिना स्टॉप लॉस दे ले कोई भी इंसान आज तक कोई भी ट्रेडर नहीं बन पाया। बहुत सारा ऐसा ट्रेडर है जो लाखों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया तब देखा आज बेहतरीन एक ट्रेडर बना, किस लिए, उसको साइकोलॉजी और कुछ नहीं। साइकोलॉजी आपका सिर्फ दिमाग फ्रेश होना चाहिए,
ध्यान होना चाहिए, कंसिस्टेंसी बना के बना हुआ रहना चाहिए मार्केट के ऊपर, और स्टॉप लॉस का पीछे पूरा पूरी ध्यान दीजिए। अगर आप सोच लेते हैं कि मुझे भाई 500 रुपये स्टॉप लॉस देना है, टारगेट के लिए छोड़ दीजिए टारगेट बाद में, पहले स्टॉप लॉस, पहले आपको ये डिसाइड करना कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा। स्टॉप लॉस को डिसाइड कर लीजिए, टारगेट अपने आप अचीव हो जाएगा। स्टॉप लॉस को डिसाइड करिए, वो चीज़ आपको खुद से करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा आपका साइकोलॉजी कैसे काम करता है, आपका माइंड कैसे काम करता है, तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाइएगा। दोस्तों इसी तरह साइकोलॉजी का बहुत सारा वीडियो मैं लेके आऊँगा आस्ते आस्ते। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा था क्योंकि दूसरा कुछ काम कर रहा था, इसलिए व्यस्त था। अभी कंटिन्यूसली वीडियो लाने का चेष्टा करूँगा, कंटिन्यूसली इस चैनल पे आपको वीडियो मिलते रहेगा। और LTP के भी बारे में मैं बताऊँगा, और सारा बहुत सारा थ्योरी है कि मैं आपको बताऊँगा आस्ते आस्ते, एक्सेल में ले जाके आपको समझाऊँगा कि मार्केट किस तरह चलता है, चेंजिंग OI, वॉल्यूम OI क्या होता है, किस तरह सेलर के साथ हम लोग का पंगा चलता है, किस तरह सेलर को हम लोग को दबा कर रखता है, हर एक चीज़, ये सब चीज़ आपको आस्ते आस्ते मैं बताता रहूँगा। सो आप एक डिसाइड आज ही से कर लीजिए, अभी से कर लीजिए कि मुझे स्टॉप लॉस देना है, बट ऐसा जगह स्टॉप लॉस लगाना है मार्केट में कि मार्केट वहाँ तक ना पहुँच पाए। उसी तरह ही आप अपने आप को बनाइए, आप चार्ट देखिए, बहुत सारा चीज़ है आपको YouTube में मिल जाएगा बहुत सारा। आप अपना साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करिए। देखिए सीधी सिंपल से बात सुनिए, जो इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, बेहतरीन उसका लाइफ हो सकता है, मगर जो इंसान नेगेटिव सोचता है उसका लाइफ बर्बाद है। नेगेटिव मतलब का, अगर मैं ट्रेड लूँगा स्टॉप लॉस हो जाएगा तो, मैं अगर ट्रेड लूँगा स्टॉप लॉस हो जाएगा तो बार बार उसी का साथ वही चीज़ होगा जो वो सोचता है, बार बार वही चीज़ होगा जो वो सोचता है। अगर ये सोचता है कि हाँ ठीक है मैं 500 रुपया देने के लिए रेडी हूँ, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। अगर जब तक आप दिल से एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मुझे 500 रुपया स्टॉप लॉस देना है, तब तक आपको टारगेट कभी भी नहीं मिलेगा, ये मैं लिखित दे सकता हूँ। जब तक आप एक्सेप्ट अप करना सीखिए कि हाँ मुझे 500 रुपया देना है मार्केट को, आपका पास मार्केट 500 रुपया लेगा नहीं, उल्टा आपको 1000 रुपया दे के जाएगा, मगर पहले आपको देने के लिए सीखना पड़ेगा। पहले आप देने सीखिए मार्केट को 500 रुपया, मार्केट अपने आप वो आपके पास पैसा लेगा नहीं, वो आपको उल्टा देगा। मगर ये जो दिल से जो आप चाहेंगे कि हाँ मुझे 500, आप सिंपल से बात सोच लीजिए ना, आप अपना एक स्ट्रैटेजी में काम कर रहे हैं, उसमें स्टॉप लॉस कहाँ है और टारगेट कहाँ है, और स्टॉप लॉस के ऊपर ध्यान दीजिए, टारगेट को भूल जाइए, स्टॉप लॉस के ऊपर ध्यान दीजिए। मेरा स्टॉप लॉस टच करे, जैसे आप टारगेट के लिए सोच रहे हैं कि मुझे टारगेट चाहिए, टारगेट के लिए भूल जाइए, आप सोचिए मुझे स्टॉप लॉस देना, आप सोचिए कि मुझे 500 रुपया स्टॉप लॉस देना है, देखिए आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे 500 रुपया देना है स्टॉप लॉस। कितना बार दीजिएगा 500 रुपये स्टॉप लॉस, दे सकिएगा आप स्टॉप लॉस? नहीं दे पाइएगा। बार बार आप जब स्टॉप लॉस अपने मर्जी से दे सकते हैं, तो अपना मर्जी से आप टारगेट भी ले सकते हैं। बात को समझ रहे ना, अगर आप चाहते हैं कि 500 रुपया मेरा चल जाए, मैं स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हूँ, तो आप कहीं से भी ट्रेड करके स्टॉप लॉस दे सकिएगा? नहीं दे पाइएगा। आप अगर सोचिएगा भी कि मुझे स्टॉप लॉस 500 रुपया देना है मार्केट में, आप नहीं दे पाइएगा। तब तो मार्केट के ऊपर पकड़ लीजिए, है ना, मार्केट के ऊपर पकड़ लिए। मार्केट जो है किसी का बात में नहीं चलता है, कोई नहीं जानता है मार्केट कहाँ तक जाएगा, कहाँ से कहाँ तक नीचे गिरेगा। सिर्फ हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ से ऐसा हो सकता है, और आप जितना लर्निंग करिएगा मार्केट में, जितना टाइम दीजिएगा, इतना जो है कि आपके पास कॉन्फिडेंस जो है कि वो बढ़ेगा। हाँ मार्केट ऐसा हुआ तो ऐसा होने से ऐसा होता है, ये एक पॉसिबिलिटी हम लोग सोचते हैं कि हाँ मार्केट है, ऐसे करने से ऐसे होता है और ऐसे करने से ऐसे होता है। तो अगर माइंड जो है कि कुल माइंड को शांत करिए, अपने आप को शांत करिए, और एक ही बात मन में सोचिए कि मुझे स्टॉप लॉस ही पहले देना है, स्टॉप लॉस ही देना है। आप स्टॉप लॉस पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, यार आप सोचिए कि मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस है, मेरा यहाँ पर टारगेट है, देखिए आप के दिन आपका स्टॉप लॉस लगेगा। पहला शुरुआत में थोड़ा सा असुविधा हो सकता है, मगर आपको अपना साइकोलॉजी चेंज करना पड़ेगा, आपका अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है। देखिए साइकोलॉजी का ही ये एक बिजनेस है, आपका पास जितना दिमाग है इतना ही बेहतरीन आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाइएगा। सिंपल सा बात है, और कुछ भी नहीं है मार्केट, सिर्फ आपका साइकोलॉजी। सोचिए ना, मार्केट में 10 पॉइंट नहीं पकड़ पा रहे हैं, 10 पॉइंट सिर्फ पकड़ना है डेली। अगर 10 पॉइंट पकड़ते हैं तो आपका पास लाखों नहीं करोड़ रुपया हो सकता है, मगर 10 पॉइंट पकड़ने के लिए आपको साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए। खोने से मत डरिए,
आप कुछ लेके भी नहीं आए हैं ना ही लेके जाइएगा, क्या खोइएगा, कुछ नहीं खोना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पेपर ट्रेडिंग करिए, पहले पेपर ट्रेडिंग करके देखिए कि मेरा गलती कहाँ हो रहा है। खाता कलम लीजिए, खाता कलम में लिखना शुरू करिए कि मेरा साथ ये चीज़ हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तभी देखिए गलती पकड़िएगा, तभी जाके उसका समाधान मिलेगा। जब तक आप अपना गलती को स्वीकार नहीं करिएगा तब तक आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा। आप अपना गलती को स्वीकार कर लीजिए, देखिए उसको समाधान भी मिल जाएगा। मगर इंसान गलती को स्वीकार नहीं करता है, वो मार्केट को गलती ठहरा देता है, या बोलता है कि नहीं, जो टूल्स यूज करता है वो टूल्स को गलती ठहरा देता है, या जो भी थ्योरी में काम करता है, ये बात जो भी उसके पास स्ट्रैटेजी है या कहीं भी वो सीखा है उसको ऊपर गलती ठहरा देता है, मगर खुद के ऊपर वो गलती नहीं लेता है। सबसे बड़ा गलत चीज़ यही है कि खुद के ऊपर गलती लेना सीखिए कि हाँ मेरा गलती है, मेरा यहाँ पर एंट्री लेना नहीं चाहिए था, मेरा एंट्री लेने से मेरा ये स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना चाहिए था। ये सब चीज़ आपने आप से जब आप सवाल पूछिएगा कि नहीं मेरा साथ ये चीज़ हुआ, किस लिए हुआ, खाता कलम लीजिए, बैठिए 10 मिनट समय दीजिए अपने आप से बात करना सीखिए, साइकोलॉजी को स्ट्रांग करिए, है ना, साइकोलॉजी को जो है स्ट्रांग करिए, हरदम पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव आदमी से भी दूर रहिए, नेगेटिव जो इंसान है ना उससे भी दूर रहिए। तो अगर बहुत इंसान है जो मार्केट को बोलता है जुआ है, मार्केट ये है, मार्केट वो, तो ये सब इंसान से दूर रहिए, इस सब इंसान का अगल बगल ही मत जाइए। देखिए किस्मत का जो बोलता है ना कि मेरा किस्मत में लिखा हुआ नहीं था, मैं तो एक ही बात बोलूँगा, वो इंसान एक नंबर का कुड़िया है। जो इंसान बोलता है कि मेरे किस्मत में ये चीज़ लिखा हुआ नहीं है, वो इंसान मेरा लिए एक नंबर का कुड़िया, क्योंकि वो उसका पास कुछ करने का हिम्मत ही नहीं था, है ना, उसका वो कुछ नहीं कर पाया ज़िंदगी में, वो अपने आप से नहीं जीत पाया। आप जब सक्सेस हो जाते हैं तो आप अपने आप से ही जीतते हैं, क्योंकि आपका दुश्मन भी आप है, आपका दोस्त भी आप है। तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा, भीतर से बदलना पड़ेगा, ऊपर देखावटी नहीं, भीतर से आपको पूरा पूरी अपने आप को क्लीन करना पड़ेगा, तभी जाके एक बेहतरीन आप बेहतरीन पॉजिटिव का साथ मार्केट में जब जिस दिन आइएगा देखिएगा आपको उस दिन प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। तो साइकोलॉजी और डिसिप्लिन, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, जो आपको समझना पड़ेगा और यही चीज़ का पीछे आपको भागना पड़ेगा कि मेरा साथ इस तरह कहाँ हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसका पीछे क्या लॉजिक है, उसका पीछे क्या कारण है, सिर्फ वो आप खुद बता सकते हैं और दूसरा कोई नहीं बता सकता है। अगर मेरा शरीर में कुछ असुविधा हो रहा है, डॉक्टर को बोलेंगे कि आप मुझे बता दीजिए मेरा क्या असुविधा हो रहा है, डॉक्टर नहीं बता पाएगा, मुझे खुद बोलना पड़ेगा कि हाँ मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, तभी जाकर डॉक्टर उसी तरह से दवाई देगा। मगर इसीलिए बोलते कि आप अपने आप से पूछिए कि आपका गलती क्या है, और आप अपने आप को दोस्त बनाइए, दुश्मन नहीं। एक इंसान अपने आप को दोस्त बनाता है, एक इंसान अपने आप को दुश्मन बनाता है। जो इंसान दुश्मन बनाता है वो पीछे चला जाता है, मतलब उसका हरदम सोच जो है कि नेगेटिव है, और जो इंसान अपने आप को दोस्त बना लेता है वो तो भाई राजा हो गया, क्योंकि वो अपना साइकोलॉजी, अपना माइंड, अपना शरीर सबको अपना अगर दोस्त से बना लिया, हाँ मैं सकूँगा, हाँ मैं करूँगा, तो वो क्या करेगा, वो पॉजिटिवली उसको आगे ठेलेगा ना। कोई भी चीज़ के लिए आप अगर बढ़िया सोचते हैं तो आप आगे तरफ जाइएगा, कोई भी चीज़ के लिए अगर आप गलत सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो आप पीछे तरफ जाइएगा। तो ट्रेडिंग भी इसी तरह है दोस्तों, आसान है, सिर्फ साइकोलॉजी अपना चेंज करिए। और क्या है कि मार्केट जो है कि बहुत बेहतरीन चलता है, देखिए मार्केट कभी भी उल्टा पुल्टा चलेगा नहीं, वो डिसिप्लिन से ही मार्केट चलता है। मार्केट का जैसा ही आपको भी डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तभी जाके मार्केट से आप बेहतरीन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाइएगा, बेहतरीन प्रॉफिट कर पाइएगा, और कुछ नहीं, सिर्फ अपना साइकोलॉजी को सुधार लीजिए बस, और कुछ नहीं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, और आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार कि आप इतना समय दे के मेरा वीडियो देखते हैं। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरा चैनल में नया है तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।